जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? पोटैटो, बोलिए माने का सही कह रहे हैं। तो वही मैंने वही भी किया, मैंने कहा कि जब हम डेड बैक्टीरिया को आर लिविंग के साथ रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिविंग एस में। लेकिन मैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमने पहले इसका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर दिया तो देखा अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट इसके लिए जिम्मेदार नहीं। हमने इसकी प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर दिया, देखा अभी ये कार्यक्रम हो रहा तो इसका मतलब प्रोटीन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमने आरएनए नष्ट कर दिया, देखा अब भी हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, आरएनए इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने डीएनए नष्ट किया ये कार्यक्रम रुक गया, इसका मतलब कौन जिम्मेदार है, डीएनए। कौन जिम्मेदार है, डीएनए। बताइए किसने प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, मैकलियॉड, मैकार्टी एंड अवेरी ने प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ओके, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये बात साबित हो गई। और किसने प्रूफ कर दिया, मैकलियॉड, मैकार्टी एंड अवेरी ने, कौन से एक्सपेरिमेंट में, ग्रीफिट के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके इन्होंने ये बात कही थी। और इस तरह से कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अमन, अमन इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। और एक तो पॉइंट और क्लियर करिए, चलिए। तो इस तरह से, लेकिन जानते हैं जब आप कभी कोई बात कहोगे, कोई भी बात कहीं पे भी कुछ कहोगे, अच्छी बात कहिए, तब भी लोग टिपिर टिपिर बोलते रहे, टिपिर टिपिर बोलना लोगों की आदत है, बोलते रहते हैं। तो इसका क्या इलाज है, कोई ऐसा प्रूफ दीजिए जिससे बोलती बंद हो जाए, कोई ऐसा प्रूफ दीजिए जिससे क्या बंद हो जाए, बोलती बंद हो जाए, राइट ना। तो जब मैकलियॉड, मैकार्टी एंड अवेरी ने कहा कि डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो लोग टिपिर टिपिर बोलते रहे, तो उसी को क्या कहते हैं, फिर और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और अब की एक्सपेरिमेंट किया हार्शे, हार्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। और इस तरह से क्या एक्सपेरिमेंट किया, इनके बारे में एक एक करके बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो मैं आपसे कहूंगा गिव अनइक्विवोकल का मतलब होता है, अनइक्विवोकल का मतलब होता है ऐसा, वोकल का मतलब टिपिर टिपिर बोलना, अनइक्विवोकल का मतलब बोलती बंद हो जाना। और ऐसी कोई बात कह दीजिए कि सामने वाला एकदम चुप हो जाए, तो उसी को कहते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये बात प्रूफ कर दिया। दूसरा एक पॉइंट और लिखना चाह रहा था, और दे वर्क्ड ऑन ऑटो रेडियोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। शायद इसीलिए मैंने आपको ये बात कल दोनों तकनीक डिस्कस की थी, एक सेंट्रीफ्यूगेशन और एक क्या सेंट्रीफ्यूगेशन, और तो इस तरह से ये, तो ये और इस तरह से थी, तो ये दे वर्कड ऑन ऑटो रेडियोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन पे भी वर्क कर रहे थे। एक तीसरी बात इम्पोर्टेंट, कल की बात कोई मुझे याद दिला देगा, कल की बात कोई भी मुझे याद दिला दे, और ये क्या कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट बात कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है,
आपसे कहा था कि एक टेस्ट ट्यूब में मटेरियल्स को लेके हम रोटेट कराते हैं और रोटेशन के समय रोटेट करा रहे होते हैं, तो रोटेशन के समय क्या होता है कि जो भारी मटेरियल होता है वो टेस्ट ट्यूब के भारी मटेरियल टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आ जाता है और जो हल्का मटेरियल होगा टेस्ट ट्यूब के टॉप पर आ जाएगा। ये कल बात हमारी हो गई थी आपसे और इसे डिटेल में हमने आपसे डिस्कशन कर लिया था। ओके ना, एक और पॉइंट है और थर्ड पॉइंट, हर्शे एंड चेस ने एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो आइसोटोप यूज किया था हर्शे एंड चेस ने, दे यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आप जानते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो अल्फा बीटा गामा रेज निकाले, और कल बात हुई थी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करने को ही ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। क्लास 11 में हमने एक एक्सपेरिमेंट बड़ा डिटेल में पढ़ा था केल्विन का, जिन्होंने कार्बन 14 यूज किया था, याद है? और इस तरह से तो दे यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, फास्फोरस और क्या, सल्फर का। चलिए मैं आपको कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन दूं, तब इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट ना? मैं इंफॉर्मेशन पहले ये बताइए, ये एक वायरस है। वायरस का नाम भी मैं आपको बता दूं, T2 बैक्टीरियोफेज। एक क्वेश्चन बताइए, हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा वायरस लिया था? क्या बताओगे भाई? T2 बैक्टीरियोफेज। अमन, कौन सा वायरस लिया था? T2 बैक्टीरियोफेज। ओके, T2 बैक्टीरियोफेज। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों से कई बार कह चुका हूं, बायोलॉजी में जब कोई वर्ड आवे तो उसे एक बार प्रोनंशिएट कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लाउडली करें। उसकी वजह क्या है जानते हैं? कि फिर वो आपके मन में बैठ जाएगा और याद रहेगा। वरना बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अचानक प्रोनंशिएट नहीं कर पाते, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वायरस यूज किया था बताइए फिर से? T2 बैक्टीरियोफेज। अब ध्यान से सुनिए, ये वायरस है और इस वायरस का ये है प्रोटीन। वायरस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक प्रोटीन है और ये है इसके अंदर का ये डीएनए है, और ये वायरस ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, क्लास 11 बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। किसका बना है फिर से बताइए? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड और क्या, सल्फर। सल्फर का बना। दूसरी बात बताइए, डीएनए इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। मोनिका, आप सोच के बताइएगा, अगर मैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लूं तो मैं डीएनए पे काम कर रहा हूं कि प्रोटीन पे? अगर मैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लूं तो डीएनए पे काम कर रहा हूं कि प्रोटीन पे? डीएनए पे काम कर रहे हैं। अमन बोलिए, अगर मैं रेडियो एक्टिव सल्फर लेके काम करूं तो किस पे काम कर रहा हूंगा? ये प्रोटीन पे काम कर रहे हूं। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं प्रोटीन पे काम कर रहा हूं तो सर,
अच्छा मैं रेडियो एक्टिव कार्बन के लेके काम करूं तो क्या होगा? रेडियो एक्टिव कार्बन आप कहोगे प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और हमें साबित करना है कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। तो मैं कार्बन का आई विल टेक कार्बन, या हम फास्फोरस लें, आप कहोगे फास्फोरस लीजिए, कार्बन लेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, पता नहीं प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि डीएनए की बात कर रहे हैं, ओके ना? तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये अब सुनिए, हर्शेन चेज ने क्या कहा, हर्शेन चेज ने क्या कहा, दोबारा सुनिएगा, और बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है, और वो ये है एक वायरस, ध्यान से सुनिएगा, ये है एक वायरस, ये वायरस, ये है एक बैक्टीरिया, ये है एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, और इस तरह से बैक्टीरिया, इसको मैं चाहूं तो होस्ट कह सकता हूं, क्यों? वायरस को आप पैरासाइट कह सकते हैं। वायरस क्या कॉज करता है? डिजीज। किस पे कॉज करता है? ह्यूमन बीइंग में भी कॉज करता है, बैक्टीरिया में भी, प्लांट में भी। आपने आजकल तो देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो किस पे पैरासाइट है, किस पे? ह्यूमन बीइंग पर है। तो ये वायरस अटैक करता है किस पे? बैक्टीरिया पे। सवाल ये उठता है कि वायरस जब बैक्टीरिया में अटैक करता है तो वायरस का कौन सा पार्ट बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, कौन सा पार्ट बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, उसका डीएनए जाएगा कि उसका प्रोटीन जाएगा कि पूरा वायरस ही जाएगा? बोलिए मानिका। आप कहोगे यही तो प्रूफ करना है आपको, अभी आप कैसे पूछ सकते हैं? बोलिए सर, डीएनए जाएगा, डीएनए जाएगा या वह, चलो इसको अब वो मोनिका ने कहा पूरा वायरस जाएगा, अमन कह रहे हैं कि जो है डीएनए जाएगा, हो सकता है इसमें से किसी की ओपिनियन हो कि प्रोटीन जाएगा, प्रोटीन जाएगा। फिर से एक बात बता देते हैं, प्रोटीन किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और डीएनए किसका बना होता? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का बना होता। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? और कोई कंफ्यूजन है? ठीक कह रहे हैं, तो इस तरह से ये है। चलिए बताइए फिर से, वायरस का कौन सा पार्ट बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, प्रोटीन जाएगा, डीएनए जाएगा या दोनों जाएंगे? बात यही तो है हमारे सामने, क्वेश्चंस क्या है, यही तीन क्वेश्चंस हैं, यही तीन क्वेश्चंस तो है कि आइदर प्रोटीन और डीएनए और या फिर क्या, दोनों, ओके ना? दोनों, पूरा वायरस ही। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ए वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव, ए वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर इन्फेक्ट्स, रेडियो एक्टिव सल्फर इन्फेक्ट्स ए बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन। फिर से बताइए क्या लिया है, ध्यान से बताइएगा, ये रेडियो एक्टिव क्या लिया है? सल्फर। बताइए मोनिका, इसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव है कि डीएनए रेडियो एक्टिव है कि दोनों रेडियो एक्टिव है? बोलिए अमन। सर प्रोटीन, प्रोटीन, ओके ना? द प्रोटीन इज रेडियो एक्टिव, ये बात मेरी समझ में आ रही है कि प्रोटीन इसकी रेडियो एक्टिव हो गई है। और अब दूसरा सवाल बताइएगा, जल्दी से बताइए, अब ये वायरस में देन मैं लिख रहा हूं, फिर मुझे बताइएगा, देन
no radio activity, then no radio activity is observed inside bacteria. मैंने इतना ही लिखा है अभी. हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, बताइए क्या रेडियो एक्टिव हुआ? क्या रेडियो एक्टिव हुआ? प्रोटीन. क्या रेडियो एक्टिव नहीं हुआ? डीएनए. और वायरस ने इन्फेक्शन किया. किसको इन्फेक्शन किया? बैक्टीरिया. और मैंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी. इसका मतलब प्रो इन्फेक्शन के दौरान प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाना. बोलिए. यस सर. इससे बात अमन प्रूफ हो रही है? आशीष ओके. अच्छा तो ये इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए, तो आप लिखे सो इट इज प्रूव्ड. So it is proved that DNA, sorry, protein is not genetic material. Protein genetic material नहीं है. Protein is not genetic material. क्या आप proof हो गया कि नहीं proof हुआ ये? Clear है? Yes sir. Yeah. दूसरा पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. और कह रहा हूं कि ए वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपकी जल्दी से बताइए, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा कि प्रोटीन? डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा. एकदम क्लियर बात है ना आपको? डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया. और अब उसके बाद क्या होगा? और लिखे एंड इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है. इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है. और कॉमा करके लिखे इट इज found that radioactivity inside कहाँ पे? radioactivity inside bacteria के अंदर radioactivity है. तो which proves that बोलिए आगे क्या लिखूं, तो आप खुद ही बता देंगे कि मैं बताऊं. which proves that और DNA is genetic material. आप क्लियर है? सुनिए क्या कहा मैंने. मैंने कहा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया. जब इसने इन्फेक्शन किया तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के सेल के अंदर मिली, तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया होगा. डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. बोलिए. और जब पहले प्रोटीन लिया था तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी थी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ था प्रोटीन. पहले वाले में आपने क्या कहा? प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल. दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट क्या? Which proves that, बोलिए, proves that DNA is genetic material. DNA is, एक बात बताइए, proof हो गया finally कि नहीं? Genetic material कौन है? DNA is genetic material. Okay? तो ये बताइए, finally किसने बताया कि DNA is genetic material? Hershey and Chase. बोलिए, किसने बताया? Hershey and Chase. हर्षेन चेस ने बताया. ओके. ये बताइए पहली बार किसने बताया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल? मैकलियार्ड, मैकार्टी एंड अवेरी ने.
मैकलियॉड मैकार्डी। एक बात बताइए, पहली बार जेनेटिक मटेरियल की सर्च में एक्सपेरिमेंट किसने किया? एक्सपेरिमेंट किसने किया? ग्रिफिथ ने। लेकिन ग्रिफिथ ने जो कंक्लूजन निकाला था वो, ग्रिफिथ ने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या था? गलत था। ग्रिफिथ क्या कह गए? कार्बोहाइड्रेट इज जेनेटिक मटेरियल। बहुत दिनों तक लोग मानते रहे प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फाइनली डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये पहली बार किसने बताया? मैकलियॉड मैकार्डी एंड अवेरी ने। ये बताइए कि जो है फाइनली किसने प्रूफ कर दिया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल? हर्शी एंड चेस ने। हर्शी एंड चेस। ओके, क्लियर? नेहा आप नहीं बोल रहे हो? यस सर। ओके, निशा? यस सर। और ये हिमांशु आज बहुत चुपचाप, तो ये था। चलिए बात क्लियर करिए कि ये और ये था। तो आप कह रहे थे कि ये सारी बातें प्रूफ हो गई, क्लियर है ना? अब एक नई बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो सुनिएगा। ये डिस्कशन बहुत पुराने थे और बातें था। आज की डेट में मैं क्या कहता हूँ, फाइनली फाइनली जो बात सामने आई कि फाइनली आरएनए एंड डीएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एंड डीएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं और जेनेटिक मटेरियल। तो फिर से बताइए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए या बोथ? तो देन जेनेटिक मटेरियल इज बोथ, दोनों है। और तो मैं आरएनए एंड डीएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, ओके, दोनों जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, दो तीन क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, मुझे बताएगा। आप एक वर्ड जानते हैं काइमेरास? काइमेरास एक वर्ड है, आप जानते हैं। काइमेरास का मतलब होता है जब कई चीजों को जोड़ के कोई एक नया बनाया जाए तो उसे काइमेरिक सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोग बॉयज हॉस्टल में रहे हैं, बॉयज हॉस्टल में क्या होता है कि जब किसी बच्चे को कहीं बाहर जाना होता है तो वो जीन्स किसी की पहन लेता है, टी शर्ट किसी की पहन लेता है, जूता किसी का पहन लेता है और निकल जाता। तो इसको कहते हैं जूता किसी का जो है, जीन्स किसी का, टी शर्ट किसी का, दिस इज कॉल्ड एज काइमेरिक सिस्टम। उसे क्या कहते हैं? कैम। जैसे आप लोग करते हैं, कैप अगर पेन का खो जाता है तो दूसरी पेन का कैप लगा देते हैं। पता चला आपने पेन खरीदी कैमल की और रिफिल लगा दिया, तो जो है रिफिल लगा दिया आपने किसकी? रेनॉल्ड्स की। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये सब क्या कहा जाता है? काइमेरिक सिस्टम। काइमेरिक सिस्टम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और काइमेरिक सिस्टम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने पार्कर की पेन खरीदी और जब पेन की रिफिल खत्म हो गई तो आपने रेनॉल्ड्स की उसमें रिफिल लगा दिया। रेनॉल्ड्स की रिफिल और पेन की जो बॉडी है वो ये है। मैं ऐसी पेन को कहूंगा क्या? कहूंगा काइमेरिक पेन है। लेकिन सवाल यह है कि राइटिंग कैसी होगी, रेनॉल्ड्स जैसी होगी या पार्कर जैसी होगी? निशा, ईशा बोलिए, आप कहोगे देखिए जिसकी रिफिल वैसा ही चलेगा, जिसकी रिफिल वैसा ही चलेगा, कोई कंफ्यूजन है आपको? और पेन की बॉडी कैसी भी हो, जिसकी रिफिल होगी, जिसकी इंक होगी, वैसे ही चलेगा, ओके ना? वैसे ही चलेगा। मान लीजिए आपके मोबाइल में, आशीष आपके मोबाइल में सिम कार्ड पिताजी लगा लें, तो अब कॉल आपकी आएगी कि पिताजी की आएगी?
जिसका सिम कार्ड होगा वैसी ही कॉल आएगी, ओके ना। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं फिर से बताइए? काइमेरास कहते हैं, काइमेरास कहते हैं। चलिए मुझे एक सवाल बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा। ये मेरे पास एक वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, एक वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, कौन सा डिजीज कॉज करता है? मोज़ेक डिजीज कॉज करता है, किसमें? टोबैको। मोज़ेक डिजीज कॉज करता है टोबैको। ये मेरे पास एक वायरस है, ये मेरे पास एक वायरस है, और वायरस है, दिस वायरस इज एंड ये वायरस है एचआईवी, एचआईवी क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने एक नया वायरस बनाया, अब मैंने एक नया वायरस बनाया है और प्रोटीन ली है एचआईवी की, प्रोटीन ली है एचआईवी की और न्यूक्लिक एसिड लिया है किसका? और टोबैको मोज़ेक वायरस। बताइए इस वायरस को क्या कहोगे आप? टोबैको मोज़ेक वायरस कहोगे, एचआईवी कहोगे या काइमेरिक वायरस कहोगे? बोलो भाई, बोलिए। काइमेरिक सर। काइमेरिक वायरस। और ये बताओ ये डिजीज कौन सा कॉज करेगा, मोज़ेक डिजीज कॉज करेगा कि एड्स कॉज करेगा? मोज़ेक। न्यूक्लिक एसिड, जिसका न्यूक्लिक एसिड वैसा ही डिजीज। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने साबित किया है कि न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए या डीएनए आर जेनेटिक मैटी। तो बताइए कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी ये काइमेरिक वायरस में कौन डिजीज कॉज करेगा, कौन डिजीज कॉज करेगा? तो लिख दें कि इन ए काइमेरिक वायरस, इन ए काइमेरिक वायरस, अगर ये काइमेरिक वायरस है, द डिजीज अकॉर्डिंग टू, द डिजीज अकॉर्डिंग टू, बोलो भाई, अकॉर्डिंग टू आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए या डीएनए से डिसाइड होगा कि इसका और ये कैसा होगा। मेरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक है। नो सर। यस सर। ओके, तो ये डीएनए का कमाल है। और इस तरह से काइमेरिक क्या होता, आपको क्लियर हो गया? यस सर। काइमेरिक क्या होता है? जब कई चीजों को जोड़ तोड़ के बनाया जाए तो उसे कहते हैं काइमेरिक, काइमेरिक कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है काइमेरिक के केस में कि जिसका न्यूक्लिक एसिड उसका क्या होगा, जिसका न्यूक्लिक एसिड और उसका ही ये होगा। तो ये बताइए कि इसको मैं क्या कह रहा था, मोबाइल में क्या कहोगे? सिम कार्ड कहोगे, जिसका सिम कार्ड होगा उसी की कॉल आएगी, कॉल आएगी, क्लियर है ना? और उस तरह से होगा जेनेटिक मैटर। लेकिन एक बात आपको कहना, बट लेकिन, और ये बताइए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए? आरएनए दोनों, कौन है? दोनों मटेरियल, दोनों है सर, डीएनए और आरएनए। नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है आरएनए एंड डीएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए या डीएनए या दोनों? दोनों, दोनों है सर। मैंने मैंने लिखा है तो ऑब्वियस से दोनों होगा, ठीक कह रहे हैं ना? दोनों। बट लेकिन डैश लगाइए और एक एक बताइए। पहली बात बताइए, इसमें से कौन सा बेहतर है डीएनए, कौन सा बेहतर है डीएनए या आरएनए? डीएनए या, सुनिए, डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल बेटर जेनेटिक मटेरियल और ड्यू टू सॉरी बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर व्हाट? चलो हिमांशु एक बात बताइए,
जब आप स्कूल से अपनी मार्कशीट लाए थे तो आप अपने ही पास रखें कि आपने पेरेंट्स को दे दिया था रखने के लिए? निशा सर, पेरेंट्स को दे दी थी, पेरेंट्स को दे दिया था सर। क्यों आपने क्यों नहीं रखा सर? गुम हो जाते मुझसे, कहीं खो जाती ना, कहीं खो जाती। तो अब मैं इसको, इस सेंटेंस को कैसे लिख रहा हूँ वो देखिए। डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऐसा क्यों है? ड्यू टू स्टेबल नेचर की वजह से, राइट ना? स्टेबल नेचर है उनका, वो रख लेंगे तो रखी रहेगी, आपके पास रहती तो इधर उधर हो जाती, क्योंकि आपका नेचर स्टेबल नहीं है। आप मेरी बात समझ गए ना आशीष? यस सर। यस, क्लियर है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल बताओ। कभी आप रेलवे में अपने पेरेंट के साथ गए हो तो रेलवे का टिकट कौन रखता है? रेलवे का टिकट कौन रखता, आप या पेरेंट्स रखते हैं? पेरेंट्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप पता नहीं कहाँ छोड़ दो, है ना? आप पता नहीं कहाँ छोड़ दो, तो क्यों पेरेंट्स रखते हैं? बिकॉज दे हैव अ स्टेबल नेचर, आपकी तरह कूदने वाला नेचर तो है नहीं, कहीं छोड़ दें। हिमांशु सही कह रहे हैं। चलिए दूसरी बात, एक और। तो क्या आरएनए बिल्कुल बेकार की चीज है? ये भी बात समझ लेते हैं, आरएनए। लेकिन मैंने रेलवे वाला एग्जाम्पल दिया था, मार्कशीट वाला एग्जाम्पल दिया था रेलवे वाला। जानते हैं रेलवे का टिकट पेरेंट्स अपने पास रखे रहते हैं, लेकिन स्टेशन पे आने के बाद टिकट आपको देते हैं और कहते हैं बेटा दौड़ के चार्ट देख के आओ सीट कहाँ है। ऐसा होता है बोलिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर कभी वर्क करने की बात आ जाएगी तो आरएनए इज बेटर, कभी स्टोरेज करने की बात आ जाएगी तो डीएनए इज बेटर। एम आई राइट? बोलिए। अगर वर्क करने की बात आ जाए तो जो है आरएनए इज बेटर। और अगर सुशील सर कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे, मेरी बात आपको क्लियर हो गई ना? तो मैं दूसरा पॉइंट लिखूं, आरएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल और मटेरियल फॉर ऑपरेशन का मतलब काम करना, और या इसीलिए मेरे पास एक और है एक्सीक्यूशन का मतलब काम वर्क शुरू करना पूरा करना, और या एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा है ट्रांसमिशन, राइट ना? जैसे मान लीजिए घर में दावत अरेंज करनी हो तो ये कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट्स या आप? पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। लेकिन मोहल्ले में सारे लोगों को दावत के बारे में दौड़ दौड़ बताने का काम कौन करेगा? आप करोगे, क्योंकि यू आर मोर एक्टिव। तो आप यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू मोर एक्टिव नेचर। तो ये बताइए वर्क करने के लिए कौन सा बेहतर जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए। इस सूचनाओं को स्टोर करने के लिए कौन सा जेनेटिक मटेरियल बेहतर है? बोलिए, डीएनए। क्लियर है ना? और कोई और डाउट हो तो बताइए, आशीष, हिमांशु और क्या नाम है उनका, आशीष और ये, तो कोई डाउट नहीं है ना? तो हमें लगता है हम आज क्लास अब यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि जो अगला पॉइंट इसका डिस्कशन का है, जो तीसरा पॉइंट है, इट विल टेक टाइम, और ये टाइम कंज्यूमिंग है।
तो हम ये बात इम्पोर्टेंट करेंगे, ओके ना, बोलिए। तो ये है। अच्छा एक बात और है बेटा, सब लोग अब थोड़ा से रेगुलर रहिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए, तो एक दिन टेस्ट वगैरह लिया जाए, बोलिए, ठीक है। अभी टेस्ट की कोई डेट नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, पांडे सर और लोगों से डिस्कस करके करूंगा, ठीक है। राइट, कोई और प्रॉब्लम हो कोई तरह की तो बताओ। नो सर, केमिस्ट्री वाले सर रेगुलर पढ़ा रहे हैं। यस सर, इज टेकिंग क्लासेस रेगुलर, ओके। और बाकी अच्छा एक चीज और है, हमारे साथ एक जूलॉजी वाले सर भी आए जिन्हें आप थोड़ा पहले से जानते भी, अभी मैं ही पढ़ाऊंगा, फिर थोड़े बहुत टॉपिक्स उनको देंगे, राइट ना, ओके। ओके सर, नहीं कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर, ठीक है सर। ईशा यू आर, हाँ अमन कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। ये रिकॉर्डेड लेक्चर कब से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे सर? ओके, तो अब मैं ये मीटिंग एंड करूं अपनी। अच्छा एक चीज और, हेलो, आप लोग यहाँ इसी सेक्शन में रहेंगे, इसी सेक्शन में रहेंगे हम जो है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से लीव आउट हो जाएंगे, ओके ना। ओके सर, ओके। तो दोनों चीज में डालनी पड़ेगी वहां पे, क्वेश्चन जो है स्क्रीन डाल दो, नीचे लिंक डाल दो, और उस पेज का यूआरएल जहां पेज का यूआरएल डालना होगा, तीनों चीज लिंक के डालो, सब देखे जाएगा। हां मैं आया हूं।